झांसी कानपुर हाईवे कालपी पर अधूरा पड़ा हाईवे क्षेत्रवासियों के मुसीबत का सबब बना हुआ है। आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से आक्रोशित जनता अब सड़क पर उतर आई है। रविवार को नगर के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जिसमें अधूरे पड़े हाईवे को पूरा कराने की मांग उठाई गई। इस प्रदर्शन में न सिर्फ आम जनता थी, बल्कि वर्तमान विधायक नरेंद्र सिंह जादौन से लेकर सभी पूर्व विधायक, सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ धर्मगुरु भी मौजूद थे। सैकड़ों की तादाद में नगर की जनता ने एकत्रित होकर हाईवे दुर्गा मंदिर से लेकर खानकाह शरीफ तक मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर आगामी 1 जून को टोल बूथ बंद करने तक की चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शन के दौरान एक योजना तैयार की गई, जिसमें जिले के उच्चाधिकारियों से अधूरे पड़े हाईवे के संदर्भ में मुलाकात की जाएगी। इसके अलावा नेशनल हाईवे को जल्द सुचारू कराने, नगर में बस स्टैंड बनाने, नगर की सड़कें दुरुस्त कराए जाने जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। ऐसा है कि हमारी सरकार की देन नहीं है, 4-5 साल से पड़ा है। ये बात नहीं है कि हमारी सरकार की वजह से है, ये पिछले 4 और 5 वर्षों से ये रोड जो पड़ा है काल की हल क्यों नहीं हुआ? नहीं, हल तो मंच रहा है आपका, तो ये हमारे यहाँ के लोगों की देन है। कोई कोर्ट चला गया, अब कोर्ट के आगे सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट चला गया और कोर्ट चले जाने के बाद फिर जो उसमें बाधा आई है, इसी वजह से डिले हुआ है। कोर्ट के बाद अब जो हमें जानकारी हुई है, कोर्ट के सारे अवरोध खत्म हो गए हैं, यहाँ से दोबारा उसका एस्टीमेट चला गया है और वो मैं समझता हूँ शायद 15-20 दिन में वहाँ से आ जाएगा, तब इसमें काम शुरू हो जाएगा। ऐसी जो जानकारी हमको मिली है, काम शुरू होने वाला है। बीच में काम इसलिए बंद रहा कि हम ही लोगों ने उस पर रोड़ा अटकाया कोर्ट के द्वारा, और कोर्ट में तो किसी का कोई बस नहीं है। वो तो बात ठीक है आपकी। अच्छा, ये बताइए कि इसमें आगे क्या समाधान है, किस तरीके से बन सकता है? ओवरब्रिज बनेगा, ये फाइनल है, ओवरब्रिज बनेगा। एक शायद जो हमें जानकारी है, एक यहाँ बड़ा गेट बनाएगा, एक वहाँ बनाएगा, एक दुर्गा मंदिर बनाएगा। कोई डेट तो बता नहीं रहे? वो डेट तो इसलिए बनाए, डेट बनाने का अब तो जब आ जाएगा तब डेट बताएगी कि हम कितने दिन में पूरा कर देंगे। जी, जब स्वीकृत होएगा, पैसा आ जाएगा, तब पता लगेगा कि कितने दिन में प्रशासन इसको पूरा करेगा। अच्छा, अभी टोल बंद होने वाली जो बात की जा रही थी, वो क्या बात? देखिए, ये तो आम जनता की राय है और मैं समझता हूँ काम शुरू हो जाएगा तो वो राय अपने आप शांत हो जाएगी। काम जब शुरू हो जाएगा, काम नहीं शुरू होगा तब ये बात है, तो काम शुरू हो जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका। हालांकि कई बार इस तरह के प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन हर बार आश्वासन दिया जाता है कार्य कभी नहीं होता। हमारे संवाददाता ने नेशनल हाईवे के सीनियर इंजीनियर DN त्रिपाठी से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया, हाईवे का कार्य न पूर्ण होने का मुख्य कारण है लैंड डिस्प्यूटेड। जो जमीन अधिग्रहण होके हमें मिलना है उसमें देरी है, कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं थे जो हाईकोर्ट गए हैं, कुछ 52 लोग हैं, तो उसमें हाईकोर्ट का डायरेक्शन मिला है कि दोबारा से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाए, जो प्रोसेस में है। हम लोगों ने कोशिश किया था मार्च तक हो जाए और वो प्रशासन के पास है, जैसे ही लैंड का मामला क्लियर होता है हमारी टीम तैयार है काम करने के लिए। सर, भूमि अधिग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है, तो इसमें प्रभावितों द्वारा कैसे इसको रोका जा सकता है? नहीं, भूमि अधिग्रहण को प्रभावितों द्वारा रोका नहीं जा सकता है, बट प्रभावितों द्वारा संतुष्ट, उसमें भूमि अधिग्रहण में कई क्लॉज हैं, अगर आप रेट से या किसी चीज़ से असंतुष्ट हो तो आप आर्बिट्रेटर के पास या न्यायालय में जा सकते हो। तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें हर एक आदमी का अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय जा सकता है और उस पर कार्रवाई होगी। तो सर, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, आप किसको मानते हैं जिम्मेदार? जिम्मेदारी कहना तो मेरे लेवल से काफ़ी ऊपर की चीज़ है, मैं जिम्मेदारी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें आगे कार्य चल रहा है। न्यूज़ BK के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।